बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं भी डी एन यू इंफॉर्मेशन के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। ये लेवल 2 भी है, ग्रेड आपने देख लिया है, 10 से शुरू है स्लैबें और 20-30 से ये आगे चल रहा है। और ये लेफ्ट साइड है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की, ये लेफ्ट साइड। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले एवरी डी एन यू इंफॉर्मेशन के नाम से, ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब ये देख सकते हैं, 20 से स्टार्ट किया, 10 स्टार्ट किया था 10 नंबर ग्रेड से, तो ये कॉलम तकरीबन 40 ग्रेड पे लग चुके हैं। और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे वर्किंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पे अब बीम और स्लैबों का काम बाकी है। सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं, कॉलम लग चुके हैं, और थोड़ा सा एरिया रहता है लेवल 2 बी पे, या आप सेकंड फ्लोर भी कह सकते हैं। सेकंड फ्लोर पे ये आपके सामने है, कॉलम तो काफी अरेक्ट हो चुके हैं। ये सामने देखें, आपको लिफ्ट नजर आ रही है, नॉन वीआईपी में एक ही लिफ्ट है, वो कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ तक टी वाले या कास्टन पैलेस जो भी है, पोरिंग है कंप्लीट हो चुकी है इसकी। ये अब देख सकते हैं लेफ्ट साइड है, ये सेकंड एंट्रेंस है। लेफ्ट साइड पे भी आप ये देखें, नॉन वीआईपी एरिया है यहाँ पे, ये सेकंड फ्लोर ही है। और इसके ऊपर जो है स्लैबें लग चुकी हैं, आपने पहले भी देखा है, अभी एंड पे भी दिखा दूंगा। सिर्फ लेफ्ट साइड पे टॉप की रहती हैं, फोर्थ फ्लोर की स्लैबें और बीम रहते हैं, बाकी थर्ड फ्लोर पे हो चुका है काम, कंप्लीट हो गया है। क्रेन आगे शिफ्ट हो गई है लेफ्ट साइड पे। ये स्टील जो है ना नीचे बिछा हुआ है, यहाँ पे कंक्रीट का काम जारी है, आगे आप देख लेंगे भी कहाँ तक कंक्रीट पहुंच चुकी है। आपको ये सामने 120 नजर आ रहा है, ये लेफ्ट वॉल जो है ना वो 90 डिग्री पे थी। अब ये कॉलम के ऊपर आप देख सकते हैं फूड एंड बेवरेज लिखा हुआ है, शायद आपको वाजे नज़र ना आए, तो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आप नई वीडियो पे आपको दिखाऊंगा वाजे तौर पे ये क्या लिखा हुआ था। नीचे का काम 2B या सेकंड फ्लोर, इसका काम तो कंप्लीट, स्टील वर्क कंप्लीट हो चुका है, अभी पोरे का काम जारी है, जो आगे आप देख सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा जा रहा है, सही स्पीड पे जा रहा है, और अपनी मुकर्रर मियाद तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 2025 जो कह रहे हैं ना, 2025 में ये चैंपियन ट्रॉफी कराएंगे। ये देख लें 150 ये भी डिग्री है, हर का दो कॉलम के बाद एक लिखा गया है 140, आगे आप देख लेंगे 140 लिखा होगा, बल्कि 140 नहीं सॉरी 160, 150, 160, 170। इंशाल्लाह जिस तरह कहा गया है अभी 2025, तो ये 2025 की चैंपियन ट्रॉफी इसमें कराएंगे। ये देखें आपको नज़र आ गया है कंक्रीट, ये 170 लिखा हुआ है, 170 तक कंक्रीट हो चुकी है, आगे जा रही है 170, 160, 100, फिर इनके बैक साइड बैक तरफ जा रहे हैं 160, 150, फिर इस तरह आगे चलता जाएगा सिलसिला। कंक्रीट का तो काम माशाल्लाह सही जा रहा है, इस पर कोई इतना इशू नहीं है। मलिच्चर का काम वाकई स्लो हो गया है, उस पर वर्किंग भी नहीं हो रही, अब इंशाल्लाह उसका भी काम अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा, आप देख लेंगे इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा अगले हफ्ते में। ये कंक्रीट अभी ताज़ा है, ये देख सकते हैं कंक्रीट का काम सही चल रहा है, कंक्रीट पर कोई इशू नहीं है। अभी ये देख लें वीआईपी एरिया शुरू हो गया है, पहले ये नॉन वीआईपी राइट साइड था, अब ये राय अपना ये वीआईपी एरिया आपके सामने है, के ऊपर ब्लॉक मैसी कंप्लीट तकरीबन कंप्लीट हो गई है, और प्लास्टर वर्क शुरू है, प्लास्टर भी देखें काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, और इसके ऊपर भी लिख दिया गया है, ये वाजे तो नज़र नहीं आ रहा, इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी ये क्या लिखा हुआ था, सही आपको नज़र आ जाएगा। ये 210 था डिग्री, ये आगे काम भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे प्लास्टर वर्क अभी रिमेनिंग है। ये सेकंड फ्लोर है,
सेकंड फ्लोर या लेवल टू भी कहते हैं, इधर टेक्निकल नेम इन्होंने दिया हुआ है लेवल टू भी। लेवल टू भी है और ये वीआईपी एरिया है। वीआईपी एरिया का नीचे तो आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, कैटरिंग एरिया भी है, वीआईपी बॉक्सेस भी हैं, फ्राइट एरिया भी है, और ऊपर का ये जो है लेवल टू भी या सेकंड फ्लोर, इसका भी इन्होंने अभी नाम एक दो जगहों पे लगाया लिखा हुआ था, बाकियों पे नहीं लिखा। तो इंशाल्लाह जो ही ये लिख देंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा ये भी एरिया किस वीआईपी एरिया है और फ्लाइट कौन कौन से वीआईपी बॉक्सेस हैं इसमें लेवल टू भी या सेकंड फ्लोर पे। ये सारा आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। ये देखें आपके सामने ब्लॉक मैसी का काम अच्छा जा रहा है। इसमें कोई रुकावट, सिर्फ ब्लीचर के ऊपर थोड़ी रुकावट आई है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा उसका काम अगले हफ्ते, जिस तरह बताया जा रहा है। ये देख लें 270 डिग्री है, इसके ऊपर भी रूम वगैरह बना हुआ है। ये नहीं मालूम कि ये ऑफिस है या जो भी है, ये आने वाली वीडियोस में पता चलेगा भी क्या है। ये ब्लॉक में से ये लेबर काम कर रही है आपके सामने है। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के नाम से। ये आप वीआईपी एरिया अब ख़त्म हो चुका है, आगे ये नॉन वीआईपी एरिया है। नॉन वीआईपी एरिया में ये देख सकते हैं कॉलम लग चुके हैं, और थोड़ा सा एरिया रह गया है जो लेवल टू भी या सेकंड फ्लोर की स्लैबें बीम लगाना बाकी हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे आ रहे हैं तो ये एरिया भी कंप्लीट कर देंगे। ये अब आपके सामने वाजे हो गया है लेवल टू बी की, सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया रह गया है। कॉलम तो कंप्लीट है, कॉलम अरेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ इसके ऊपर बीम और स्लैबें रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह जब इस तरफ आएंगे तो वो लगा देंगे। ये अंदर की तरफ से आप देख लें, ये लेवल टू बी का जो एरिया रहता है, बस कॉलम लगे हुए आपको नजर वाजे आ रहे हैं, और आगे भी देख सकते हैं ये जो बलीचा रहते हैं, ये भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। क्रेन ये देख ले, क्रेन लेफ्ट साइड पे आ चुकी है, दूसरी साइड पे, और राइट साइड कंप्लीट कर लिया, सेकंड फ्लोर की स्लैबें रख के अब आगे वो चले गया। पीछे वो काम अपना कर रहे हैं ऊपर के लिए। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के नाम से। अगर व्यूअर आपको किसी किस्म की मजीद तफसील चाहिए तो कमेंट्स में आप लिख दें, ताकि आप मैं आपको कमेंट्स के मुताबिक वीडियो बना के आपको बताता रहूँगा ये क्या चीज़ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको नई से नई अपडेट मिलती रहे एवरी डे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार फिर अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।